Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today we will discuss Article 62 of Constitution of Pakistan 1973, Qualifications of Member of Parliament or Majlis-e-Shoora. But before starting my discussion, if you people haven't subscribed to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. So moving towards Article 62. Article 62 ki clause 1 hume kya kehti hai? That a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis-e-Shoora unless ke ek banda jo hai wo qualified nahi hoga ke wo parliament ka member banne ya parliament ka member banne ke liye elect ho unless and until. Aage kuch क्वालिफिकेशंस बताई हुई हैं, कुछ रीज़न्स बताई हुई हैं, कुछ ग्राउंड्स बताए हुए हैं कि अगर उस बंदे में ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो ही कैन बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नंबर वन, ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो. नंबर टू, इन केस ऑफ नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के केस में उस बंदे की एज हो 25 ईयर्स और वो इनरोल्ड हो एज अ वोटर इन एनी इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या है कि वो रजिस्टर्ड वोटर हो. किसका रजिस्टर्ड वोटर हो? पाकिस्तान का रजिस्टर्ड वोटर हो तो वो क्वालिफाइड होगा टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब आगे कुछ वोटर की आगे कुछ लिस्ट बताई हुई हैं कि अगर वो जनरल सीट्स या जो सीट्स नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व है, अगर वो उन पर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से का रजिस्टर्ड वोटर हो सकता है, ठीक है. लेकिन जो क्लॉज टू है उसमें ये बताया हुआ है कि अगर वो विमेन की जो रिजर्व्ड सीट है, अगर कोई विमेन उस रिजर्व्ड सीट पर इलेक्शन लड़ रही है तो उसको जिस प्रोविंस से वो इलेक्शन लड़ रही है उसको उस प्रोविंस का रजिस्टर्ड मेंबर होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड वोटर होना ज़रूरी है. क्लॉज सी को अगर हम देखें तो क्लॉज सी कहती है दैट इन केस ऑफ सेनेट, ऊपर वाली तीन बातें हमने नेशनल असम्बली के लिए पढ़ी, अब सेनेट की बात कर रहे हैं कि सेनेट के केस में जो एज है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए और जो बंदा वोटर होगा वो किसी भी प्रोविंस का होगा, ठीक है. जो रजिस्टर्ड वोटर के लिए इनरोल्ड होगा वो किसी भी प्रोविंस का होगा या फेडरल कैपिटल के केस में क्या होगा कि वो रजिस्टर्ड वोटर होगा उस फेडरल कैपिटल का जहाँ से वो अपनी मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहा है, जहाँ से वो मेंबरशिप तलाश कर रहा है. और सेम इज़ द केस विथ फाटा. नेक्स्ट हमारे पास क्लॉज डी कहती है कि वो गुड कैरेक्टर का होना चाहिए और वो इस चीज़ के लिए मशहूर ना हो कि उसने इस्लामिक इंजंक्शंस को वायलेट किया है. ही मस्ट नॉट कॉमनली नोन एज द वन हु वायलेट्स इस्लामिक इंजंक्शन. क्लॉज ई कहती है दैट ही मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज, उसके पास सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए. किसका नॉलेज होना चाहिए? इस्लामिक टीचिंग्स का, इस्लामी तालीमात का. और जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ उसको इस्लाम ने बताई हुई हैं, जो फ़राइज़ इस्लाम ने बताए हुए हैं वो उनको प्रैक्टिस करे और वो एब्सटेंस फ्रॉम मेजर सिन रहे, मींस कि वो कबीरा गुनाहों से दूर रहे. क्लॉज एफ़ क्या कहती है? ही मस्ट बी सेगेशियस, मतलब उसे समझदार होना चाहिए. राइटियस मीन्स कि वो पारसा हो. और नॉन प्रोफ्लिगेट मीन्स कि वो फासिक ना हो, खुलेआम गुनाह ना करता हो, ऑनेस्ट और अमीन हो, ठीक है. और उसे किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने ये डिक्लेयर ना किया हो, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लॉज जी. क्लॉज जी क्या कहती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद उसने पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कोई काम ना किया हो या पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और आइडियोलॉजी के अगेंस्ट कोई बात ना की हो, ठीक है. तो ये थी हमारी क्लॉज वन की क्वालिफिकेशन. क्लॉज टू क्या कहती है कि जो डिसक्वालिफिकेशन पैराग्राफ डी और ई में बताई गई हैं, जो हमने इस्लामिक इंजंक्शंस, इस्लामिक टीचिंग्स की बात की थी, वो उस बंदे पर अप्लाई नहीं होंगी जो नॉन मुस्लिम होगा. लेकिन उस बंदे के लिए ये ज़रूरी है कि दैट ही मस्ट हैव गुड मॉरल रेपुटेशन, कि उस बंदे की एक अच्छी मॉरल रेपुटेशन हो. सो ये था हमारा आर्टिकल 62, जिसमें हमने बताया कि एक बंदा पार्लियामेंट के मेंबर्स होने के लिए किस किस किस्म की क्वालिफिकेशंस रखता हो.